असलम व्यूवर्स बीफ निहारी बनाने के लिए हम हाफ आ कप ऑयल लेंगे सबसे पहले उसे गरम करेंगे साथ ही मैं इसमें बीफ डालने लगी हूँ जो मैंने हाफ के जी लिया है आप विद बॉन और बोनलेस दोनों ले सकते हैं फ्राई करेंगे इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो चुका है मैं इसमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट डालने लगी हूँ जो कि मैंने वन टेबल स्पून लिया है अच्छी तरह से फ़्राई करेंगे इसे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट को गोश्त के साथ हम अब अब मैं कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ इसमें वन टेबल स्पून लिया है मैंने गरम मसाला लिया है वन टीस्पून स्पून मसाला लिया है मैंने वन टेबल स्पून पाउडर लिया है मैंने वन टी और साथ ही पेपरिका पाउडर लिया है वन टी सॉल्ट डालेंगे हम हजर ज़रूरत मैंने वन एंड हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे गोश्त गलने के लिए जो मैंने थ्री ग्लास लिया है और मैंने बॉइलिंग वाटर लिया है ढक्कन ढककर धक हम इसे कुक करेंगे गोश्त गलने तक लो फ्लेम पर फिर ट्वेंटी फाइव मिनट्स में चेक कर रही हूँ बीफ को हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से गल गया है कि नहीं पीफ गल चुका है हमारा अच्छी तरह से अब हम साथ ही एक पैन रख लेंगे उसमें आटा या मैदा आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं मैं इस वक्त वीट फ्लोर ले रही हूँ थ्री टेबल स्पून मैंने वीट फ्लोर लिया है उसको मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है नहारी में अगर आप इस तरह से ड्राई रोस्ट करके आप उसमें वीट फ्लावर डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है उसका ये हो चुका है रेडी इसमें मैं पानी डालूंगी एज बे ज़रूरत इसे अच्छे से हम बैटर तैयार कर लेंगे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बैटर रेडी हो गया है मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर इसे इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे ये देखिए इस तरह से मुझे इस फॉर्म में चाहिए था ये इतना गाढ़ा अगर आपने मज़ीद गाढ़ा पसंद करना है तो आप इसे मज़ीद कुक कर सकते हैं फाइव टू टेन मिनट्स साथ ही मैं ऑयल गरम कर रही हूँ ताकि मैं अनियन इसमें फ़्राई करूँ और ऊपर से बघार लगाऊंगी मैम अच्छी सी खुशबू आ जाती है इस तरह से नहारी में वन एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें पेपरी का पाउडर डाल दिया है कलर अच्छा आएगा इससे फ्राई कर लेंगे अनियन अपनी और इस पे बगाड़ लगा देंगे नहारी पर ज़बरदस्त ज़बरदस्ती इससे खुशबू आएगी बस जी तैयार है हमारी मज़ेदार सी नहारी मैं डिश आउट करती हूँ ये देखिए ये बहुत मज़ेदार लजीज़ नारी बनी है हमारी बीफ नारी आप इसे ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही आसान रेसिपी है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं और ये बहुत मज़ेदार बनती है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है इसमें जिंजर जूलियन कट करके मैंने डाल दी ग्रीन चिलीज फ्रेश कोरिएंडर एंड लेमन जूस ट्राई कीजिएगा जरूर बताइएगा मुझे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज